Assalamualaikum and welcome back as a new brand video. जैसे कि आपको पता है कि आज 10 है, सुबह 11 है, तो 11-11 की सेल लगनी है, तो मैंने क्या सोचा कि 11-11 से पहले एक वीडियो ही हो जाए. तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या 11-11 पे जो सेल लगती है उससे हमें कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और वो कम कीमत में हमें क्यों प्रोडक्ट सेल करते हैं 11-11 में. तो आज किसी के अंदर सारा कुछ बताऊंगा कि 11-11 क्या यकी. सो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं जैसे कि आपको कह चुका हूँ सब्सक्राइब कर, लाइक का भी कह चुका हूँ, लाइक भी करो आज, सब्सक्राइब भी करो और कमेंट भी छोड़ो. चैनल सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लो. ओके दोस्तों, आपको 11-11 की सेल में आपको दराज वाले प्रोडक्ट क्यों सस्ते देते हैं, क्योंकि दोस्तों की जैसा कि आपको पता है कि जो चीज होती है खराब वही देते हैं आपको दराज वाले. तो बेसिकली दराज वाले हमें नहीं देते हैं. तो बहुत सारे दोस्तों को ये होता है कि दराज वाले हमें चीज सेल कर देते, तो दराज वाले आपको बिल्कुल भी चीज सेल नहीं करते. दराज वाले का मकसद ये होता है कि दराज एक ब्रांड है, एक कंपनी है, इसमें से बाकी दूसरे लोग आते हैं इस दराज के ऊपर सेल करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान है और बंदा कोई आ जाता है, मेरी फलां चीज है, मेरी फलां चीज है, आप इसे सेल करो, ठीक है. उस पर बोली लगती है, उस पर लोग आते हैं, फिर लोग लेते हैं और वही वाले डिलीवर करते हैं. दराज की ये बहुत बड़ी गलती करता है, उन चीजों को चेक नहीं करता कि आया क्या वही चीज प्रोवाइड की जा रही है, अच्छी चीज प्रोवाइड कर जा रही है के नहीं. तो दराज वाले अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं. तो अब बात करते हैं कि दराज वाले हमें प्रोडक्ट क्यों सस्ते देते हैं. तो जैसे कि आपको पता है कि 1 तारीख से लेकर 11 मंथ तक जो चीज सेल नहीं होती, 11-11 में आपको दराज वाले वही चीज सेल करते हैं. तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 11-11 सेल में से कोई भी चीज दराज से बाय ना करें, चाहे कि आपको फ्री में दें फिर भी आप बाय ना करें, क्योंकि दराज में 11-11 की जो चीज होती है बिल्कुल फजूल बेकार. जैसा कि मैंने आपको पहले भी मैंने अनबॉक्सिंग की है, मैंने काफी ज्यादा मतलब महंगी चीजें थी फिर भी बकवास चीजें निकली हैं. एक मिनट. ओके, तो महंगी चीजें निकली हैं लेकिन बेकार चीजें होती हैं. तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि दराज की 11-11 से आप कोई भी मोबाइल ना खरीदें, कि ये ना हो गया आप मोबाइल खरीदें वो उसमें से पत्थर निकल आए और आप ये तो आम अच्छी चीज है, लेकिन तो अगर आप ऐसे मोटरसाइकिल मंगवाएं और वहां पर आपको साइकिल ले जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना. दराज से आपने कोई चीज नहीं मंगवानी, मंगवानी है तो छोटी मोटी चीजें 100, 150, 200 की आप मंगवा सकते हैं. इसमें चलो ज्यादा लंबा स्कैम नहीं होता. तो कोशिश करें आप दराज 11-11 के सेल से कोई भी चीज बाय ना करें. सो बाकी ठीक है यार, बाय ना करें, छोटी मोटी चीजें आप खरीद सकते हैं इजिली दराज के ऊपर. सो बाकी मेरे साथ तो काफी स्कैम हुए हैं दराज से, तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँ कि आप दराज से कोई भी चीज बाय ना करें. सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद है. अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे पहली बार तब आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा. मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान.